पोएम के बारे में, जो फर्स्ट पोएम है अपनी रिस्क, जिसे जेनेट रेंड के द्वारा लिखा गया है, इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशंस को और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को। तो स्टार्ट करते हैं हम इसमें। कवि जेनेट रेंड हमें इस पोएम के माध्यम से ये बताना चाहता है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कोई न कोई रिस्क छिपी होती है। चाहे वो आप हंसते हो तो उसमें आपके मूर्ख प्रतीत होने की रिस्क छिपी होती है, यदि आप रोते हो तो उसमें आपके सेंटिमेंटल यानी कि भावुक दिखने की रिस्क छिपी होती है, यदि आप किसी और के लिए मदद का हाथ बढ़ाते हो तो उसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट यानी कि आपका कोई ना कोई हित दिखने की रिस्क छिपी होती है, यदि आप अपनी भावनाओं को एक्सपोज करते हो, किसी को बताते हो तो इसमें आप खुद को एक्सपोज कर रहे हो, ऐसी रिस्क छिपी होती है। टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स, अपने आइडियाज और ड्रीम्स यानी अपने सपनों को अपने विचारों को यदि आप भीड़ के सामने बताते हो तो उसमें आप नाइव दिखने की यानी कि नौसिखिया दिखने की, जिसे कोई अपने फील्ड में ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हो, अनुभव नहीं हो, ऐसा दिखने की रिस्क छिपी होती है। यदि आप किसी से प्रेम करते हो तो बदले में प्रेम नहीं मिलने की रिस्क छिपी होती है। यदि आप जीवन जीना चाहते हो तो उसमें मरने की रिस्क छिपी होती है। यदि आप कोई आशा रखते हो तो निराश होने की रिस्क छिपी होती है। यदि आप ट्राई करते हो, कोशिश करते हो तो उसमें फेल होने की रिस्क छिपी होती है। लेकिन कवि कहता है रिस्क ली जानी चाहिए, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा खतरा, सबसे बड़ी जोखिम जो है वो यही है कि जीवन में कोई रिस्क नहीं लेना। वो व्यक्ति जो कोई रिस्क नहीं लेता है वह कुछ नहीं करता, उसको कुछ भी नहीं मिलता, वह कुछ नहीं होता और न वह कुछ बन पाता है। वे व्यक्ति कुछ समय के लिए उन सफरिंग्स व सोरोज यानी कि उस दुख दर्द से बच सकते हैं, परंतु वे उस जोखिम को नहीं उठाकर जीवन को जीना, उस रिस्क को फील करना, महसूस करना, उसके अनुसार खुद में चेंजेस लाना, खुद की ग्रोथ करना, इवन मोर स्नेह और प्रेम को भी नहीं सीख पाते हैं और ना ही वो अपने जीवन को खुशी खुशी जीना सीख पाते हैं। वे ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को एक निश्चित धारणाओं में जकड़े हुए होते हैं। कैसी धारणाएं? कि यदि वो कोई चीज़ ट्राई करेंगे तो उसमें वो असफल हो जाएंगे। इस कारण वो अपने आप को एक निश्चितता की धारणा में जकड़े हुए रहते हैं, बल्कि यूँ कहें कि उन्होंने अपनी स्वतंत्रता खुद ही छीन रखी होती है तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कवि कहता है कि केवल वह व्यक्ति स्वतंत्र है जो जीवन में रिस्क उठाता है और उसका हौसले के साथ सामना करता है और उसे पार पाता है, क्योंकि रिस्क उठाने वाला व्यक्ति या तो जीवन में कुछ नया सीखता है या वो जीवन में सफल होता है। तो इस प्रकार कवि कहता है कि हमें जीवन में वक्त आने पर, ज़रूरत होने पर रिस्क अवश्य उठानी चाहिए और अपने जीवन को आगे बढ़ने में सक्षम बनाना चाहिए, सफल बनाना चाहिए। दोस्तों, ये थी इस पोएम की हिंदी एक्सप्लेनेशंस। अब हम डिस्कस करते हैं इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट इसका जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन है इस पोएम की मेन थीम क्या है। थीम इस पोएम की यही है कि रिस्क हमारे जीवन का मोस्ट इम्पोर्टेंट अभिन्न अंग है, जिसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते हैं। हमेशा ही जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कोई न कोई रिस्क छिपी होती है, चाहे आप हंसो, चाहे रो, चाहे किसी की मदद करो, चाहे अपनी फीलिंग्स और आइडियाज़ को किसी को बताओ या कोई नई चीज़ ट्राई करो, हर किसी में रिस्क छिपी होती है। जब सब में रिस्क छिपी है तो हमें जीवन में रिस्क अवश्य लेनी चाहिए। एक व्यक्ति जो जीवन में रिस्क नहीं लेता है वह व्यक्ति उस समय पर्टिकुलर परिस्थिति में उस दुख दर्द से बच सकता है, परंतु उसका जीवन कुछ नहीं बनकर रह जाता है और ये जीवन की सबसे बड़ी रिस्क होती है, सबसे बड़ा खतरा होता है। अगला क्वेश्चन इससे संबंधित है कि व्हाट इज द इमीडिएट एडवांटेज ऑफ अवॉइडिंग रिस्क। रिस्क को अवॉइड करने का इमीडिएट एडवांटेज क्या होता है उन लोगों को? तो द इमीडिएट एडवांटेज ऑफ अवॉइडिंग रिस्क
इज दैट अ पर्सन में अवॉइड सफरिंग्स एंड सोरोज, वह व्यक्ति जो रिस्क नहीं लेता है वो उस समय यानी कि थोड़े समय के लिए उस दुख दर्द से बचा हुआ रह सकता है। जैसे किसी चीज़ की आशा ही नहीं की तो निराश होने की रिस्क ही नहीं है। अगर आप हंसे ही नहीं, हंसना बोलना ही छोड़ दिया तो मतलब आपको मूर्ख दिखने की रिस्क ही नहीं रही। अगर आपने कोई चीज़ नहीं ट्राई नहीं की तो किसी तरह के फेल होने की रिस्क नहीं रही एक्सेट्रा, ऐसी कुछ रिस्क से वो उसके दुख दर्द से वो बचा रह सकता है। अगला इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि वह व्यक्ति जो जीवन में रिस्क को अवॉइड करता है वो जीवन में कैसे सफ़र करता है यानी पीड़ित होता है। तो एक व्यक्ति जो जीवन में रिस्क को अवॉइड करता है वह व्यक्ति जीवन में कुछ भी नया नहीं सीख पाता है। इवन न फील करना, न लव करना, न जीवन को सही ढंग से जीना सीख पाता है और उसका जीवन जस्ट नथिंग बनकर रह जाता है बिना रिस्क के। अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड है पोएम में कि जो व्यक्ति जीवन में रिस्क लेता है उसको क्या एडवांटेज होते हैं। तो जो व्यक्ति जीवन में रिस्क लेता है वो हमेशा ही नए नए अनुभवों को सीखता है, नई नई चीज़ों को सीखता है, वह जीवन में प्रेम और स्नेह को सीखता है, वह एक नए व्यक्ति के रूप में, एक बेटर व्यक्ति के रूप में अपने व्यक्तित्व को निखारता है, अपने जीवन को खुशी खुशी वो जीना सीखता है। अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो है वो है कि जीवन में सबसे बड़ा खतरा क्या होता है और वो क्यों है। तो जैसा कि दोस्तों हमने बताया कि जीवन में सबसे बड़ा खतरा है किसी तरह की कोई रिस्क नहीं लेना, और बिना रिस्क के व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता है और उसका जीवन जस्ट नथिंग यानी कि यथास्थिति वाला बन के रह जाता है। इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार से लोग यानी कैसे लोग अपने आप को निश्चित धारणाओं में जकड़े हुए रहते हैं। तो वह व्यक्ति उनमें एक निश्चितता की धारणा होती है, भावना होती है कि यदि वो कोई नई चीज़ ट्राई करेंगे तो फेल हो जाएंगे क्योंकि उसमें कोई ना कोई रिस्क छिपी होती है। बस यही बात उनको रोक देती है जीवन में कोई भी रिस्क लेने से। इस कारण वे कोई नई चीज़ ट्राई नहीं करते, अपने आप को सेटिस्फाइड रखते हैं। इस कारण वे उस निश्चित पर्टिकुलर धारणा से जकड़े हुए व्यक्ति होते हैं, मात्र गुलामों की तरह जो अपनी स्वतंत्रता खुद ही छीन के बैठे रहते हैं, कोई नई चीज़ ट्राई नहीं करते हैं। तो दोस्तों ये थे इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।